हेलो एंड वेलकम टू मिट टॉक इंडिया आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास ईवीएस का चैप्टर नंबर सुपर सेंसेस और करेंगे अरिहंत पब्लिकेशन के वर्कबुक का सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स नंबर वन एज द एंड देयर डैश ऑन द ग्राउंड जब चीटियां जमीन पे चलती है तब वो जमीन पे अपना स्मेल छोड़ते हुए जाती है नंबर टू डैश कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी तुम्हारे बॉडी के स्मेल से तुम्हें मॉस्किटोज बहुत ही आसानी से ढूंढ लेते हैं नंबर थ्री सम बर्ड्स लाइक काइट्स ईगल्स एंड वल्चर्स कैन सी हाउ मेनी टाइम्स एज फार एज वी कैन दे कैन सी अबाउट फोर टाइम्स एज फार एज वी कैन नंबर फोर डैश लुक्स लाइक अ बेर एंड स्लीप्स फॉर अबाउट सेवेंटीन आवर्स अ डे दैट इज द स्लॉ नंबर फाइव पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर्स एंड पोचर्स क्वेश्चन नंबर टू राइट ट्रू और फॉल्स नंबर वन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स कैन मूव देयर आईज नो दैट इज फॉल्स क्योंकि बर्ड्स की आंखें उनके सिर के दोनों ही तरफ फिक्स्ड होती हैं और उनकी आंखें हिलती नहीं हैं नंबर टू एनिमल्स कैन सी मोर कलर्स देन ह्यूमन कैन नो दैट इज फॉल्स नंबर थ्री डॉग्स नो इफ अनदर डॉग हैज कम इन टू देयर एरिया बाई मूवमेंट नो दैट इज फॉल्स डॉग नो अबाउट अनदर Dog has come to its area or not by the smell of its urine. Number four, sloths live for about twenty years. No, that is false. Sloths Charlie 40 years they live for about 40 years. Number five, animals that are awake at night can see things only in black and white. Yes, that is true. Number six, a tiger roar can be heard up to six kilometers away. नो दैट इज़ फॉल्स टाइगर के रोर की आवाज़ ज्यादा से ज्यादा तीन किलोमीटर दूर तक ही सुनाई देती है क्वेश्चन नंबर थ्री मल्टीपल चॉइस टाइप नंबर एनिमल्स कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट तो जो एनिमल सिर्फ रात को जगे रहते हैं सिर्फ उन्हें ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें नजर आती हैं बाकी एनिमल्स को थोड़े बहुत कलर नज़र आते हैं तो बर्ड्स रैट्स बैट एंड स्नेक में से सिर्फ बैट ऐसा है जो रात को जागता है ऑप्शन नंबर बी नंबर टू विच ऑफ साउंड निकाल के अपने आसपास के के को आने वाले खतरों बारे में आगा करते हैं सिर्फ बैट्स ही ऐसा एक क्रिएचर है जो वार्निंग नहीं देता सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी नंबर थ्री विच एनिमल्स आर नॉट सीन इन विंटर्स सर्दियों के मौसम में इनमें से कौन से एनिमल को हम देख नहीं सकते Answer is option number C, lizard. सर्दियों के समय में lizard, hibernation पे चले जाते हैं यानी कि एक लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं और इसीलिए हमें दिखाई नहीं देते जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज इन ऑफ उत्तराखंड क्वेश्चन फाइव वेयर इज घना नेशनल पार्क केवलादेव देव नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन राजस्थान क्वेश्चन फोर वॉट सेंसेस डू द फॉलोइंग एनिमल्स यूज टू फाइंड देयर फूड अपना खाना ढूंढने के लिए ये सारे जानवर कौन से सेंस का उपयोग करते हैं सबसे पहले डॉग अपने सेंस ऑफ स्मेल का इस्तेमाल करता है एंट भी सूंघ के अपने खाने को ढूंढती है स्नेक्स फील करते हैं वाइब्रेशंस को और अपने जीभ से सूंघते हैं ईगल को दूर से ही अपना खाना नज़र आ जाता है, है सेंस ऑफ साइट टाइगर आल्सो हैज सुपर सेंस ऑफ हियरिंग एंड साइट विच हेल्प्स देम टू फाइंड देयर फूड और मॉस्किटो को सुपर सेंस ऑफ स्मेल से ही ह्यूमंस का पता चलता है क्वेश्चन फाइव मैच द पिक्चर ऑफ एनिमल्स ऑन द राइट विथ देयर डिस्क्रिप्शन ऑन द लेफ्ट सबसे पहले इट कैन फाइंड इट्स फीमेल बाई हर स्मेल ज्यादातर जो इंसेक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के स्मेल के जरिए ही मेल फीमेल का पता लगाते हैं आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे डी पे एक कैटरपिलर की फोटो है नंबर टू इट टर्न्स इट्स हेड टू सी अराउंड इनमें से कौन है जो अपने सर को पूरा घुमा के अपने आसपास देख सकता है वो है बर्ड ऑप्शन नंबर ए नंबर थ्री इट कैन फील वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड ग्राउंड के वाइब्रेशन को सांप बहुत ही अच्छे से फील कर सकता है नंबर इट कैन मेक डिफरेंट साउंड एनिमल्स आंसर इज ऑप्शन नंबर सी डॉल्फिन जो कि इको लोकेशन का उपयोग करके अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं नंबर फाइव इट स्लीप्स इन द कोल्ड सीजन आंसर इज ऑप्शन नंबर बी लिजर्ड जो सर्दियों के मौसम में हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि वो एक लंबे गहरे नींद में चली जाती है क्वेश्चन नंबर सिक्स मैनी एनिमल्स आर किल्ड एंड द पार्ट्स आर सोल्ड मैच द एनिमल्स विद द पार्ट फॉर विच दे आर किल्ड एलिफेंट को मारा जाता है उनके टस्क को पाने के लिए टस्क उनके सफेद रंग के दांत होते हैं जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं और इन्हीं को बेचने के लिए हंटर्स और पोचर्स एलिफेंट का शिकार करते हैं नंबर टू राइनो सिरोस को उनके नाक के ऊपर के हॉर्न को पाने के लिए मारा जाता है नंबर थ्री क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल इज स्किल्ड टू गेट इट्स स्किन नंबर फोर डीर डीर इज किल्ड टू गेट द मस्क फ्रॉम इट्स बॉडी एंड इज स्नेक सांप को भी उसके स्किन को पाने के लिए मारा जाता है क्वेश्चन सेवन कैटेगराइज द फॉलोइंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्मेल एज गुड और बैड एंड फिल इन द कॉलम्स बिलो यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूंगी कोई भी स्मेल गुड या फिर बैड नहीं होती वो डिपेंड करता है कि आपका बॉडी उस स्मेल को अच्छा मानता है या बुरा यहाँ पे दिए हुए आइटम्स के आधार पे गुड स्मेल होगा फ्लावर्स का कॉफी का पिकल का सोप का और बैड स्मेल होगा गार्बेज रॉ एग्स पेट्रोल को मैंने यहाँ पे कहीं पे भी इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि मेरे सर्वे के हिसाब से कुछ लोगों को पेट्रोल की स्मेल अच्छी लगती है और कुछ लोगों को पेट्रोल की स्मेल गंदी लगती है क्वेश्चन एट गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग बिहेवियर ऑफ एनिमल्स इन पिक्चर वन वी कैन सी एज यू वॉक्ड पास्ट अ स्लीपिंग डॉग इट्स ईयर्स शूट अप एट वंस किसी भी सोते हुए डॉगी के नजदीक से अगर तुम बहुत ही धीरे से चलो फिर भी उसके कान खड़े हो जाते हैं ऐसा क्यों बिकॉज डॉग्स हैव सुपर सेंस ऑफ हीयरिंग डॉग्स कैन हीयर इवन द स्लाइटेस्ट ऑफ साउंड नंबर टू यू वेर ईटिंग इन द प्लेग्राउंड एंड एन ईगल सडनली फ्ल्यू डाउन एंड टुक अवे यूर रोटी ऐसा क्यों ईगल को इतनी दूर से तुम्हारी रोटी का टुकड़ा कैसे नजर आया ईगल है कैन सी फोर टाइम्स एज फार एज वी कैन नंबर थ्री डॉग्स स्निफिंग हेयर एंड देयर ऑन द दे रोड डॉगी को अक्सर आपने यहाँ वहाँ सूंघते हुए और यूरिन करते हुए देखा होगा ऐसा क्यों क्योंकि डॉग्स हैव सुपर सेंस ऑफ स्मेल

नंबर फाइव बर्ड्स मूव देयर नेक वेरी ऑफन अक्सर चिड़ियों को हमने यहाँ वहाँ सर को हिलाते हुए देखा होगा बिकॉज बर्ड्स कैन नॉट मूव देयर आईज एज देयर आईज आर फिक्स्ड दे टर्न देयर हेड टू सी अराउंड क्वेश्चन नाइन नेम ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन बिलो मेक अ स्माइली इन फ्रंट ऑफ द एनिमल्स दैट कैन सी वेरियस कलर्स एंड फ्राउन इन फ्रंट ऑफ द एनिमल्स दैट कैन सी ओनली ब्लैक एंड व्हाइट दिए गए जानवरों में से क्रो और कागते है, हैं, हैं और जो एनिमल्स रात के समय जागते हैं उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट में नजर आता है जैसे फॉक्स बैट और आउल क्वेश्चन टेन राइट शॉर्ट नोट नंबर वन डिफरेंसेस इन स्लीपिंग टाइम ऑफ द एनिमल्स डिफरेंट एनिमल्स है A sloth sleeps for about 17 hours in a day. A cow sleeps for 4 hours. A python sleeps for 18 hours. A giraffe sleeps for 2 hours and a cat sleeps for 12 hours in a day. Number 2 Alarm calls given by different animals. Langurs make special sound to warn other animals of the dangers. Birds make different sounds to warn others of the dangers fishes give electric signals to warn about a danger and dolphins use echolocation to communicate with each other next question why are lizards not seen in winters lizards go on a long deep sleep in winters which is called hibernation to protect themselves from cold that is why they are not seen in winters number 2 why are dogs used in special search operations by police dogs have super sense of smell that is why they are used by police to search lost things or thieves question 3 how can most of the birds see two different things at a time eyes of the birds are fixed on either side of their head so they can see two different things at a time लेफ्ट साइड वाली आंख से वो लेफ्ट साइड देख सकते हैं और राइट right साइड वाली आंख से वो राइट right साइड देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डू स्नेक्स रिएक्ट टू साउंड्स ऑल दो देर डू नॉट एक्सटर्नल ईयर्स सांप के तो हमें बाहर से कान नजर नहीं आते लेकिन फिर भी वो साउंड को के बीन की आवाज़ को सुन के क्यों रिएक्ट करते हैं स्नेक्स कैन फील द वाइब्रेशंस और मूवमेंट इन द एयर विद देयर सुपर सेंसिटिव स्किन Which is produced due to some kind of sound. That is why they react. Question 5. How did the tribes living in Andaman Islands manage to save themselves from the tsunami? Because they observed the behavior of the fishes living in the sea, who behaved differently to warn against the dangers of tsunami. Question 12. Observe the picture and answer the following. Name the animal shown in this picture it is the langur monkey How does this animal that is the langur monkey warn other animals of its area about the danger Langurs have super sense of sight they can see tigers or leopards from high up on the tree and warn other animals by making special sounds Question 13 the tiger is one of the most alert and strong animal and yet today tigers are in danger answer the following questions about tiger question 1 which sense of tiger is very strong and how does this sense help the animal in finding its food tigers have super sense of sight which helps them to hunt at night tigers have super sense of hearing which can capture sound from all the directions and also tigers whiskers are super sensitive towards movement these all super senses helps a tiger to find its food question 2 how does a tiger mark its area tiger mark its area by its urine number 3 what helps a tiger to move in the dark

द एनिमल स्पीसीज इज लेफ्ट वेरी लेस इन नंबर एंड इज अबाउट टू बिकम एक्सटिंट एंडेंजर्ड एनिमल्स वो होते हैं जिनकी संख्या बहुत ही कम रह गई होती है और जो इस धरती से लुप्त होने वाले होते हैं टाइगर्स आर एंडेंजर्ड बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली बींग हंटेड एंड किल्ड फॉर देयर ब्यूटिफुल स्किन नंबर फाइव वॉट स्टेप्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट टाइगर्स गवर्नमेंट हैज़ मेड Law against hunting animals and also have given protection to many parts of forests in the form of national park where animals are given protection by the forest department officials. Question 14 Answer the following question about sloth What do sloths eat? Sloths eat leaves of the trees on which it lives. Number 2. When do they move to another tree? When the sloths have eaten enough leaves from one tree, then only they move to another tree. Number three, why do sloths come down from the tree once a week? Sloths come down from the tree once a week to relieve themselves. Question 15 Answer the following questions about ants. Number one, how do ants arrive? soon after some sugar jaggery etc is dropped on the ground ants have super sense of smell when a worker ant have found some food like sugar and jaggery it sends signal and call another ants number two where do the ants live ants live in burrows and ant hills number three how are ants able to recognize their friends or group members